बिनोवा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर टू। आज मैं चर्चा करूंगा सेमेस्टर टू के एससीसी आणि ऑनर्स कोर कोर पेपर्स पेपर तीन के यूनिट वन का एक टॉपिक बच गया था, उसको आज मैं कंप्लीट करवाता हूं। हमारा प्रश्न है राइट अ नोट ऑन इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आज हम लोग एक नोट तैयार करेंगे इंडियन फिक्शन के ऊपर जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी फिक्शन की, उपन्यास की देश में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज नो क्लियर कट मार्क ऑफ डिविजन बिटवीन द नॉवेल्स रिटन इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड दोज रिटन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। यहाँ हम जैसा कि लिखा हुआ है कि कोई वास्तविक रेखा नहीं है जो विभाजित कर सके आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद लिखे गए उपन्यासों के बारे में। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अस्पष्ट थोड़ा सा मुश्किल है कर पाना, क्योंकि ये बड़ा ही मिक्सअप तरीके से है। देयर आर मैनी नॉवेलिस्ट वेयर नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन बोथ पीरियड्स। कहता है कि बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले भी लिखा और वही उपन्यासकार आज़ादी के बाद भी लिखते हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आज़ादी के पहले अमुक ये इन अमुक अमुक लोगों ने लिखा और आज़ादी के बाद सिर्फ ये कतिपय कुछ उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखा। यहाँ ज़्यादातर उपन्यासकारों की स्थिति ये है कि आज़ादी के पहले और बाद दोनों समय में उन्होंने लिखा है। तो कुछ हम महत्वपूर्ण उपन्यासकारों का नाम यहाँ लेना पसंद करूँगा, जिसमें से पहले भी बताया जा चुका है मेरे YouTube चैनल के क्लास के माध्यम से, मुल्कराज आनंद का नाम बड़ा ही सर्वोपरि तरीके से हम लोग लेते हैं। जैसे मुल्कराज आनंद द ओल्ड वुमन एंड द काव वॉज पब्लिश्ड इन 1960। मुल्कराज आनंद ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था द ओल्ड वुमन एंड द काव, और ये जो है प्रकाशित हुआ था 1960 में। दूसरा जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था द गाइड, जिसके ऊपर बॉलीवुड की फिल्म भी बनाई गई थी, द गाइड ऑफ आर के नारायण वॉज पब्लिश्ड इन 1958 1958 में द गाइड जो है सो प्रकाशित हुआ था, जिसको लिखा था आर के नारायण साहब ने, और एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुडी इन 1962। इन्हीं के द्वारा एक और उपन्यास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था द मैन ईटर ऑफ मालगुडी इन 1962। सिमिलरली राजा राव्स सरपेंट एंड द रोप, राजा राव ने सरपेंट एंड द रोप नामक उपन्यास लिखा, और द कैट एंड शेक्सपियर कॉमरेड क्रिलेव वो पब्लिश्ड इन 1950 एंड 1960। 1950 और 1960 के दौरान राजा राव के द्वारा लिखित ये सारे उपन्यास पब्लिश हुए। अब आगे मैं बात करता हूँ द पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोवाइडेड। कहता है कि आज़ादी के बाद लोगों को क्या हुआ, एक मटेरियल मिला, बहुत सारा मुद्दा मिला, नए नए तरीके आए, और इनसे क्या हुआ कि बड़ा मदद मिला उपन्यासकारों को उपन्यास लिखने में। एज टाइम ग्रू अप, जैसे जैसे समय बीतता गया, चेंजेस केम इन द सोसाइटी, समाज में परिवर्तन आया, एंड द नेशन एंड हेंस समाज के साथ साथ राष्ट्र में भी परिवर्तन आया, और इसी के कारण कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रमागत ढंग से वी फाइंड चेंजिंग इन लिटरेचर ऑल्सो, इतिहास
साहित्य में भी बदलाव होता गया, एक के बाद एक साहित्य में भी बदलाव देखने को मिला। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भवानी भट्टाचार्य एक अलग नाम, जैसा कि मैं फिर यहां ले रहा हूं, भवानी भट्टाचार्य, ये राजा राव, ये सारे महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं, वॉज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट। भवानी भट्टाचार्य पहले उपन्यासकार ऐसे रहे हैं टू राइट नॉवेल्स इन इंग्लिश, जिन्होंने अंग्रेजी में उपन्यास लिखा। हिज फर्स्ट नॉवेल सो मैनी हंगर्स, उनका पहला उपन्यास, भवानी भट्टाचार्य द्वारा रचित पहला उपन्यास सो मैनी हंगर्स, वॉज पब्लिश्ड विद इन अ फ्यू मंथ्स, आज़ादी के कुछ ही महीनों में ही, आज़ादी मिलने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर प्रकाशित हुआ। द नॉवेल इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बंगाल फेमिन। इस उपन्यास में इसका जो बैकग्राउंड है वो भारत छोड़ो आंदोलन है और बंगाल में आए अकाल को लेकर है। द नॉवेल डील्स विद द थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस नॉवेल का जो विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु के साथ इस नॉवेल में चर्चा की गई है, वो शोषण के बारे में है, और शोषण किस प्रकार का, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ही हु राइट्स अ टाइगर इज कॉल्ड द फाइनेस्ट नॉवल ऑफ भवानी भट्टाचार्य। भवानी भट्टाचार्य ने जितने भी उपन्यास को लिखा है उसमें से सबसे बेहतर नॉवेल की बात की जाए तो सबसे पहले लोगों के जुबां पे जो नाम आएगा वो है ही हु राइट्स अ टाइगर। इट इज ऑल्सो अ नॉवेल ऑन सोशल थीम, और ये उपन्यास सामाजिक विषय वस्तु पर लिखा गया है। म्यूजिक फॉर मोहिनी, अ गॉडेस नेम्ड गॉल्ड, शैडो फ्रॉम लद्दाख, अ ड्रीम इन हवाई आर हिज अदर नॉवेल्स। ये भवानी भट्टाचार्य के द्वारा लिखित कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिसकी मैंने यहाँ चर्चा की है। विद्यार्थियों को मैं विशेष तौर पर ये बताते रहता हूँ कि जब आप परीक्षा में अपने नोट को लिखेंगे तो किस ईस्वी में, किस समय में वो उपन्यास लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, और कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनके द्वारा रचित उपन्यास को भी शामिल करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में हासिल कर पाएंगे। यहाँ हम बात करते हैं एक अगले उपन्यासकार की, मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर जो है एक दूसरे उपन्यासकार हैं हु पब्लिश्ड नॉवेल्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिन्होंने आज़ादी के बाद उपन्यास प्रकाशित किया। हिज फर्स्ट नॉवेल इज डिस्टेंट ड्रम, उनका पहला उपन्यास है डिस्टेंट ड्रम। ही इज अ रियलिस्ट, वो रियलिटी वाले चीजों पे लिखते हैं, वास्तविकता पे लिखते हैं। द टाइटल ऑफ हिज सेकेंड नॉवेल इज कॉम्बैट ऑफ शैडो। कॉम्बैट ऑफ शैडो उनके द्वारा फिर लिखा गया था, हैज बीन टेकन फ्रॉम भागवत गीता, और ये जो थीम लिया गया है वो भागवत गीता से लिया गया है। द प्रिंसेस इज कॉल्ड हिज बेस्ट नॉवेल, और जो द प्रिंसेस है वो मनोहर मालगांवकर की एक जो है सो बहुत ही उम्दा उपन्यास है जिसके बारे में आज मैंने यहाँ चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों को बहुत फ़ायदा होगा, आगामी परीक्षा को देखते हुए ये आप सबों को दिया गया है, और ये HCC पेपर का जो यूनिट 1 है इसके बारे में अगर विस्तार से समझाया जाए तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप सबों के पास जो है सो समय कम है, और समय की सीमा को देखते हुए बस इस नोट को कंप्लीट करने के बाद जो कि एक लेक्चर और होगा मैं इसको समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। जी धन्यवाद।